इंडोनेशिया में आया भयानक तूफान। जी हाँ, आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही खतरनाक तस्वीर वहां से आ रही हैं। हम आपको बताते हैं इसकी तफसील, तो तफसील जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इंडोनेशिया में आया भयानक सैलाब, 44 अफराद हुए हलाक। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे टोसांगाड़ा में मौसलाधार बारिश के बाद सैलाब की वजह से 44 अफराद हलाक हो गए हैं। कौमी महकमे आफात PNPD की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक सूबे के शहर फ्लोरिस के मशरक में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे मौसलाधार बारिश की वजह से सैलाब आ गया। इमदादी टीमें इस वक्त तक 20 अफराद की लाशें निकाल चुकी हैं और 9 अफराद को जख्मी हालत में बचा लिया गया है, जबकि 5 लापता अफराद की तलाश जारी है। बयान के मुताबिक सैलाब की वजह से सैकड़ों घर मुतासिर हुए हैं और इमदादी टीमें कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। हुक्काम ने आचा, स्मट्रा, वस्ती जाओ, दारुल हुकूमत जकार्ता और योगिया कार्ता में भी शदीद बारिशों की वार्निंग दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैलाब की वजह से इंडोनेशिया में काफ़ी तबाही आई। गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि मलबे के ऊपर वो चढ़ गए हैं। घर के हालात बहुत ही अबतर हो चुके हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, घर तहस नहस हो चुके हैं, गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। अलगरस बहुत ही तबाही मचाई है इस बारिश ने। बारिश की वजह से सैलाब आया इंडोनेशिया में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहां के हालात। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।